हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज आप लेकर आए हैं आपके लिए एक सैमसंग का M30 फ़ोन है, जिसका कॉम्बो LCD पैनल और टच उसकी ख़राब हो गई है, यानी डैमेज हो गई है, उसको रिप्लेस करेंगे। और ओरिजिनल ज़्यादातर मार्केट में मिलता नहीं है, आप अगर कहीं भी शॉप पे जाओगे, लोकल शॉप पे, तो वहाँ पर आपको कॉपी मिलेगा ज़्यादातर। और आपको अगर चाहो तो बोलोगे तो ओरिजिनल भी मिल जाएगा, लेकिन हम आपको ओरिजिनल की कॉस्ट कितने रेट का पड़ता है और किस प्रकार से आपको लगाना सही रहेगा, किस प्रकार से लगाओगे तो दिक्कत हो सकती है, उसके सारी की सारी प्रोसेसिंग इस वीडियो में बताएंगे हम आपको आज। और एक और बात, आप अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दिया करें, आप हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी नया चैनल लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादातर टॉपिक उसी पर कवर करेंगे जो नए टॉपिक चल रहे हैं, ज़्यादातर फ़ोन लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन रिव्यू वगैरह सब उसी चैनल पर करेंगे। इस चैनल पर तो हमारे ज़्यादातर टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो ही आने वाली हैं। तो अगर कोई आपको सवाल हो या किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हर वीडियो में कर सकते हैं आप कमेंट, हम रिप्लाई 100% करने की कोशिश करेंगे। आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी रिप्लाई करने देने की कोशिश करेंगे आपके, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, आपको एक लाइक काफ़ी महत्व रखता है हमारे लिए, काफ़ी संतना मिलती है बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, ये आ गया हमारे पास M30। ये इसका जो कॉम्बो है पूरी तरह से डैमेज है, नहीं कोई दिखा रहा है ये, और मतलब काम कर नहीं रहा है इसका LCD टच है। ये हमारे पास कॉम्बो, ये हालांकि है तो ओरिजिनल, लेकिन ये 100% ओरिजिनल नहीं है। हालांकि इससे नीचे क्वालिटी में भी मिलते हैं फोल्डर मार्केट में, ज़्यादातर जो फोल्डर मिलते हैं वो नीचे क्वालिटी में मिलते हैं। मार्केट के हिसाब से सबसे बेस्ट फोल्डर है ये, जो मार्केट में चल रहा है इस समय उसमें सबसे बेस्ट फोल्डर है ये, इससे बढ़िया मार्केट में नहीं मिल पाएगा शायद मेरे हिसाब से। हालांकि मिलता है एक UV करके आता है, लेकिन वो थोड़ा और कॉस्टली होता है, इसकी कॉस्ट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और ओरिजिनल जो कॉम्बो है उसकी कॉस्ट और इसमें अंतर क्या है फोल्डर में लगाने में, इसमें अंतर क्या लगाने में भी, और जैसे सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और इसका बैक पैनल हमने हॉट एयर गन की मदद से गर्म करके पीछे से इसका बैक पैनल निकाल दिया, उसके बाद सारे स्क्रू निकाल लेने हैं आपको, ये सारे स्क्रू निकाल लिए हमने, इसके वीडियो कट कर दिया मैंने क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, स्क्रू तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है इसका, ये हटा दिया हमने फिंगरप्रिंट का पत्ता हटाने के बाद फिंगरप्रिंट निकाल, जो फिंगरप्रिंट है ये बैक में ये एडजस्ट है इसका, ये अलग नहीं निकलता है, निकल भी जाता है लेकिन थोड़ा मशक्कत के बाद निकलता है। इसके बैक को अलग निकाल देते हैं, इसको खोलने के बाद बैक निकाल लेते हैं इसका अलग फ़ोन से, इसे आप आराम से अपने नाखून की मदद से भी निकाल सकते हैं, एक ओपनर आता है ओपनर से भी निकाल सकते हैं। ये हमने बैग निकाल दिया इसका, इसमें फिंगरप्रिंट हमारा और स्पीकर वगैरह ये सारे इसी में लगे हुए हैं। उसके बाद हम जो हमारा जो कॉम्बो है न्यू वाला, यानी फोल्डर है जो न्यू वाला, उसको इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो चलिए देखते रहिए वीडियो को, तब तक चेक करते हैं कॉम्बो को। ये हमने कॉम्बो को कर लिया है सेट, कनेक्ट कर दिया है मेन बोर्ड से इसके से, और हम चिमटी की मदद से जो पावर ऑन करने वाले जो पॉइंट हैं उसको शॉर्ट करके हमने इसको ऑन कर दिया है। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि काफ़ी देर लगा था ऑन होने में, तो इसलिए हमने फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ा दिया। ये हमारा कॉम्बो आसानी से काम कर रहा है, ठीक है, टच बराबर से मान रहा है, ये इसका लॉक शायद यही है, हाँ ये ऑन हो गया, इसका जो पैटर्न था यही था। हम इसके टच वगैरह काम चला के दिखाते हैं आपको, तो चलिए देखते रहिए वीडियो को आगे तक, आगे भी बातचीत होंगे, तब तक देखते रहिए वीडियो को। हमारा जो फोल्डर है काफ़ी स्मूथली और अच्छे से कार्य कर रहा है, कलर वगैरह भी अच्छे दिखा रहा है, टच भी आराम से वर्क कर रही है इसकी, क्योंकि ये जो कॉम्बो है ये अच्छी क्वालिटी वाला कॉम्बो है, इससे नीचे क्वालिटी में भी आते हैं वो काफ़ी, इससे 300-400 रुपये उसका रेट भी डाउन होता है, तो वो थोड़े सस्ते भी आ जाते हैं।
और वो काम करते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम देते हैं काम करने में, लेकिन हालांकि ये बिल्कुल 100 वो जी जो ओरिजिनल होता है उसी की तरह कार्य करता है। लेकिन हाँ, इसमें अंतर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें और जो हमारा जो फ़ोन के साथ वाला फोल्डर होता है उसमें क्या अंतर रहता है, और जो मार्केट में यूवी करके जो एक फोल्डर मिलता है उसमें क्या अंतर होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमने ये कॉम्बो अलग निकाल लिया, और उसके लिए हमको पहले अपना जो फ़ोन का जो कॉम्बो यानी फोल्डर है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे इसके जो जो फ़ोन का फोल्डर उसको और हमारा जो फोल्डर इसमें जो लगाने वाले हैं उसको कंपेयर करेंगे। और तब तक हम फोल्डर को निकालते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आ गए हैं, और इसी तरह के अच्छी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप सोच सकते हैं लाइक करने के लिए, क्योंकि मैं जवाब नहीं डालना चाहता लाइक के लिए। आप अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हालांकि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। हम सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग में ही फंसे नहीं रहेंगे, हम और भी टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, यूट्यूब से रिलेटेड भी टॉपिक पर वीडियो मैं लाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे दिख रहा है यूट्यूब से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों को ज़रूरत है वीडियो की, तो मैं उस पर भी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। अब ये नहीं है कि मोबाइल से ही सिर्फ मोबाइल की वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि और भी टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैनल पर। चलिए जल्दी, ये हमारा जो फ़ोन के साथ वाला कॉम्बो हमने निकाल लिया। सबसे पहले देखिए, इसमें कॉपर की कोटिंग लगी हुई है, हालांकि कॉपर की कोटिंग हमारे वाले फोल्डर में भी लगी हुई है जो हम डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हल्का कॉपर है, इसमें ज़्यादा कॉपर है। नीचे की साइड देखिए आप, इसमें नीचे की साइड में जो टच है इसकी काफ़ी बड़ी है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि हम जो लगा रहे हैं उसकी LCD थोड़ी छोटी है, इससे LCD नहीं होती है, इसमें डिस्प्ले होती है यानी AMOLED डिस्प्ले होती है, तो वो छोटी है। हालांकि उसकी जो AMOLED डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि थोड़ी सी टच निकल रही है बाहर सिर्फ फ्रेम में सेट करने लायक, इसमें थोड़ी ज़्यादा निकली हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, हालांकि कलर बराबर हैं। और मैं उसके भी बताऊंगा जो लो क्वालिटी होते उसमें क्या अंतर रहता है। ये ऊपर से भी थोड़ी छोटी डिस्प्ले है इसकी, हल्की सी जो ओरिजिनल वाली उससे। अब मैं बताता हूँ आपको मार्केट में जो डिस्प्ले चल रही फोल्डर आते हैं इसी लो क्वालिटी में, उसमें डिस्प्ले तो लगभग आपको सेम मिल जाएगी, और डिस्प्ले सेम मिलने के बाद हल्की छोटी मिलेगी, हालांकि जो मैं डाल रहा हूँ इससे भी छोटी मिलेगी डिस्प्ले, लेकिन उसमें अंतर रहेगा, उसके कलर सही नहीं होंगे, और आपकी उसकी टच जो टच है वो ठीक से काम नहीं करती है, वो सस्ते पड़ जाते हैं। और इसके कलर जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही काम करेंगे, इसमें सिर्फ अंतर यही है इसकी थोड़ी डिस्प्ले छोटी होती है हल्की सी, हालांकि जो यूवी वाला फोल्डर है उसके डिस्प्ले सेम होती है, कलर भी ठीक होते हैं उसके, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है। अब मैं एक अंदाज रेट बताता हूँ, और अगर आप बिल्कुल फिक्स रेट जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, कमेंट में बिल्कुल फिक्स रेट जो चल रहा है मार्केट में, लेकिन कमेंट में जो रेट बताए जाएंगे वो उसी समय के बताए जाएंगे जिस समय आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके रेट जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको मैं ओरिजिनल का रेट बताता हूँ, ओरिजिनल का जो रेट है लगभग 3500 से लेके 5000 तक का आपको सर्विस सेंटर से पड़ जाएगा, यानी कि 3500 से लेके 5000 तक आराम से पड़ जाएगा, ये एक अनुमानित रेट है। अगर आप फिक्स रेट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें कॉम्बो, इसका रेट मानिए आप यानी 2500 से लेकर 3000 तक, यानी कि 2500 से लेकर 3000 तक। और जो इससे लो क्वालिटी में है वो मानिए 2000 से लेकर 2500 तक, और यूवी का फोल्डर जो होता है वो 2800 से 3300 रुपये तक के करीब आपको आराम से पड़ जाएगा। तो आप देखते रहिए आगे वीडियो, और अगर आप फिक्स रेट जानना चाहते हैं तो आप उस क्योंकि रेट ऊपर नीचे हो सकता है मैं अब ये इस रेट में मुझे मिला है, वो हो सकता है आने वाले समय में और कम हो सकता है महंगा भी हो जाए। तो मैं एक बार और आपको चेक करा देता हूँ, जो हम फोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें देखिए लाइट के लिए अलग से पत्ती लगी हुई है, यानी कि फ्लैक्स केबल लगी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी जो हम लगा रहे हैं उसमें LCD है, और जो इसमें जो लगा हुआ है इसमें OLED है यानी AMOLED है, इसमें कहीं भी LED पत्ती लगी हुई LED लाइट की पत्ती लगी हुई नहीं है, क्योंकि ये तो AMOLED में ऑटोमेटिक जो लाइट होती है वो ऑटोमेटिक फ्लैक्स होती है यानी आती है, और उसमें जो LCD होती है उसमें LED बल्ब छोटे छोटे LED बल्ब लगे हुए होते हैं लाइट बनाने के लिए डिस्प्ले में। तो हाँ, सबसे पहले हम इसको क्लीन करना ज़रूरी है, जितना अच्छा क्लीन कर लोगे फोल्डर अच्छा शाइनिंग के साथ लग जाएगा, इतना अच्छा फिक्स बैठ जाएगा बोर्ड में यानी आपके जो बॉडी में। हमने क्लीन कर लिया इसको आराम से, और उसके बाद इस पर ग्लू भी लगा लिया हमने फोल्डर पे, तो इसको फोल्डर को जो हमारा कॉम्बो है इसको सही से कर लेते हैं सेट। इसमें हमने इसकी जो बैक पर रेपर लगा हुआ था पिनी लगी हुई थी वो पहले निकाल लिया था, आपने वीडियो में देखा होगा, बता नहीं पाए थे इंपॉर्टेंट जानकारी के चक्कर में। और हाँ, हमने जो दूसरा चैनल है हमारा उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, नाम भी डिसाइड हो गया, आपके लिए एक पोल रखा था, आपने बहुत कम कमेंट किया,
वोटिंग जो थी 4-5-6 लोगों ने की थी, लेकिन सारे के सारे को TMG को आए थे यानी टच मैक्स गुरु। तो उसी के नाम से हम नया चैनल बना के ले कर वीडियोज़ पर भी काम चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ 2-3 वीडियो उस पर डाली जाएँ एक साथ, और दिवाली से पहले पहले मैं करने की 100% कोशिश करूँगा। कोई भी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो ही दिवाली के बाद वीडियो अपलोड हो पाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दिवाली से पहले पहले उस पर वीडियो अपलोड हो जाए। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप चैनल वगैरह बनाना चाहते हैं कि किस प्रकार से पूरी जानकारी दी जाए मोबाइल पर, मैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा उसी चैनल के बारे में कि मोबाइल के द्वारा वीडियो शुरू से लेकर Gmail ID से लेकर और वीडियो अपलोडिंग तक कैसे कैसे करना होता है चैनल बनाने के लिए। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा उस वीडियो को। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना उसके लिए। और मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ़ोन में, फ़ोन से काम कर रहा हूँ, चैनल को फ़ोन से बना रहा हूँ, सब कुछ थंबनेल बैनर और उसका लोगो वगैरह सब कुछ मैं फ़ोन से बनाऊँगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको एडिट करके और आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूरी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की, काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा काम की वीडियो आने वाली हैं इस पर, और उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे जिस टॉपिक को आप हमें सजेस्ट करेंगे, यानी कमेंट में हमें कमेंट करके बताएंगे जिस टॉपिक को, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे एक बात तो है, जब भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है दिल को। अभी मैं सुबह के टाइम में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो अलग से लगानी पड़ती है ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय ऑडियो नहीं लगा सकते। तो मैंने देखा 5 सब्सक्राइबर सुबह सुबह मिल गए, अब बड़ा दिल को सुकून मिला। और जिस दिन मिल सुकून तो मिलता है, 1 सब्सक्राइबर मिलता है, लेकिन अगर सब्सक्राइबर मिलते हैं तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। तो सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी ना करा करें प्लीज़, सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। ये हमने रबर बैंड से इसको पैक कर दिया है, आप ये देख लें, आप रबर बैंड से पैक करने से पहले कि आपका फोल्डर कहीं से ऊपर निकला हुआ ना हो, फ्रेम में सेट बैठा हुआ। हालांकि जो मैं इससे लो क्वालिटी वाला फोल्डर बता रहा हूँ वो तो ऊपर निकलेगा, क्योंकि उसमें जो LCD होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की LCD लगी हुई है, तो बिल्कुल सेम बिल्कुल और जैसा ओरिजिनल कॉम्बो होता है उसी की तरह सेट हो जाएगा। इसमें पता भी नहीं पड़ेगा कॉम्बो डाला हुआ ना, सिर्फ पता पड़ेगा इसके जो नीचे बेजल्स हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देंगे। हमारे टच आराम से काम कर रही है, हमने बिल्कुल चारों तरफ से देखे फिक्स करके तभी रबर बैंड लगाए हैं। अब बैंड लगा दें फिक्स करके चारों तरफ से, मैं बैक पैनल को बोलेंगे बैक पैनल से लगाए दी। तो बैक पैनल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये फोल्डर थोड़ा पतले होते हैं, तो ये सही से सेट हो जाएगा। इसके स्क्रू लगाने के बाद बैक पैनल अब आराम से लगा सकते हैं बाद में, पहले इसके स्क्रू लगा लें आराम से। स्क्रू लगाने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें सेट होने के लिए, ग्लू जो होती है वो अपने आप सेट हो जाएगी। उसके बाद रबर बैंड हटाएं इस पर से, उसके बाद जो बैक पैनल है हमारा उसको आराम से लगा दें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ ही गए हैं तो आपके लिए एक बात बता दूँ, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित आप कोई भी हमें यानी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, स्पेशल में हम 100% आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर करते हैं तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।